दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2022 का साल बहुत ही खराब रहा है। भारतीय टीम के खराब परफॉर्मेंस की वजह से हमें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में हुए न्यूजीलैंड दौरे में भी सीरीज हारनी पड़ी और अभी चल रहे बांग्लादेश दौरे में भी एक दिवसीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। यह साल भारतीय टीम के लिए बहुत ही खराब रहा है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने गुरुवार 8 दिसंबर 2022 को श्रीलंका और भारत के बीच होने वाले आगामी घरेलू सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट टीम जनवरी में भारत का दौरा करेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैचों का पूरा शेड्यूल्ड वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड जानने वाले हैं, तो वीडियो कल तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बिना देरी किए हुए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम अगले साल यानी 2023 में भारत दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे सीरीज खेलेगी। बात करें T20 मैचों की तो पहला मैच 3 जनवरी को मुंबई में, दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वहीं बात करें वनडे मैचों की तो पहला मैच 10 जनवरी को गुवाहाटी में, दूसरा मैच 12 जनवरी को कोलकाता में और तीसरा मैच 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। बात करें भारत और श्रीलंका के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम श्रीलंका पर भारी पड़ी है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 26 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 17 मैच और श्रीलंका ने 8 मैच जीते हैं। इस दौरान एक मैच का परिणाम नहीं निकला। दोस्तों, वहीं बात करें एक दिवसीय मैचों की तो इसमें भी श्रीलंका के खिलाफ भारत का पड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच 162 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें टीम इंडिया ने 93 और श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं। इस दरमियान एक मैच टाई रहा, जबकि 11 मुकाबलों का परिणाम नहीं निकला। दोस्तों, श्रीलंका की टीम आज तक भारतीय सरजमी पर T20 सीरीज जीतने में नाकाम रही है। भारत की धरती पर T20 सीरीज जीतने में श्रीलंका का बेस्ट प्रदर्शन साल 2009 में रहा था, जब श्रीलंकाई टीम ने 2 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी। उसके बाद हर बार भारत दौरे पर मुंह की खानी पड़ी। कुछ ऐसा ही हाल उसका वनडे सीरीज में भी रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय क्रिकेट टीम 2022 के खराब साल और खराब परफॉर्मेंस को भुलाकर नए साल को नए सीरीज से शुरुआत कर पाएगी और श्रीलंका के खिलाफ चल रहे इस शानदार प्रदर्शन को बरकरार रख पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।